Hello everyone, welcome back to our channel. Today I'm talking about some questions and some concepts from class 8, chapter 6, which is your understanding our criminal justice system. And then this is from civics, which is political science. We have already covered some concepts. Now I'm talking about the last concept, which is regarding the fair trial. कि व्हाट इज अ फेयर ट्रायल होता क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो यार मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जो भी इंसान अक्यूज्ड होता है वो ट्रायल के थ्रू जाता है। ट्रायल मतलब एक सुनवाई होती है, कोर्ट में उसके बारे में बात की जाती है, लॉयर बुलाए जाते हैं, जजेस बुलाए जाते हैं और पूछताछ होती है, तो उसे हम ट्रायल बोलते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल। अब हमें यार ये मेक श्योर करना है कि ये ट्रायल क्या रहे फेयर। वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस ट्रायल शुड बी फेयर, कि कोई चीटिंग कुछ ना हो। तो फेयर ट्रायल के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जो हमें सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। तो वो देखते हैं क्या क्या है। पहले देखते हैं कि फेयर ट्रायल हमें चाहिए क्यों, वाई। तो बोलते हैं कि हमारे पास एक आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है राइट टू लाइफ। ठीक है, सबको आपकी लाइफ लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो अगर हम किसी की लिबर्टी ले रहे हैं, इफ आई एम टेकिंग दैट पर्सन टू जेल, तो आई हैव टू मेक श्योर उसका जो लीगल प्रोसेस तरीके से फॉलो किया जाए। ये नहीं कि आप उनको ऐसी बेकार में जेल में डाल दोगे, कोई उनको लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल बेनिफिट आप उनको नहीं दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 बोलता है कि भाई सबको आप फेयर ट्रायल आपको देना पड़ेगा, अगर आप उनको, इफ यू आर टेकिंग देयर लिबर्टी अवे, यू हैव टू टेल देम व्हाई आर यू टेकिंग देयर लिबर्टी अवे। उसके बाद अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल 21 मेंटेन रहे, तो उसके तहत आपको फेयर ट्रायल सबको देना पड़ेगा अगर आप किसी को भी जेल में लेके जा रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं फेयर ट्रायल क्या रहता है। कि कोई भी सिटीजन है, हम उसकी ना तो क्लास देखेंगे, ना तो उसका कास्ट, ना जेंडर, ना रिलीजन, ना आइडिया आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं देखेंगे हम, बस उसको फेयर ट्रायल देंगे। अब यार क्लास का मतलब क्या होता है? कि हम किसी की इकोनॉमिक क्लास नहीं देखेंगे, वी विल नॉट लुक एट योर इकोनॉमिक क्लास। उसका मतलब रहता है यार कि हम कोई ये नहीं देखेंगे कि वो इंसान रिच है पुअर है, हम वो चीज नहीं देखेंगे। उसकी कास्ट नहीं देखेंगे, कास्ट मतलब वो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, जो भी उसकी कास्ट है वो नहीं देखी जाएगी। जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, अदर जेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलीजन क्या है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या है, डजंट मैटर। आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, कि किसको सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट नहीं करता है, कंजर्वेटिव है, मॉडर्न है, डजंट मैटर। हमें ये सब नहीं देखना उस टाइम पे, हमें बस देखना है कि वो सिटीजन है, उसको हम लग जाएंगे फेयर ट्रायल देने में। दैट मीन्स अ जज कैन नॉट जम्प टू द कंक्लूजन। जज बिल्कुल भी कंक्लूजन पे जम्प नहीं कर सकता, उसको थ्रू आउट द प्रोसेस इम्पार्शियल रहना है, तभी हम उसको फेयर बोल पाएंगे उस ट्रायल को। और फिर डिसाइड करना है स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जो भी उसको एविडेंस दिखाए जाएंगे सिर्फ वो उन बेसिस पे ही आपको बताएगा, और कोई और किसी तरीके से वो आपको डिसीजन नहीं सुना सकता। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। द रूल ऑफ लॉ से दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट ग्रांटेड अ फेयर ट्रायल। तो हमने एक चीज बोली हुई है, रूल ऑफ लॉ। अगर आप चाहते हो कि रूल ऑफ लॉ वायलेट ना हो, तो आपको सबको एक फेयर ट्रायल देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव अ फेयर ट्रायल टू एवरीवन, तभी आपका रूल ऑफ लॉ सैटिस्फाई होगा, फॉलो होगा। ठीक है, अब यार हम एक एग्जांपल लेते हैं फेयर ट्रायल का। लेट्स से कि आपके पास एक जैसे शांति का एग्जांपल है, तो यार हमने पढ़ा है क्लास 8 में शांति का एग्जांपल। शांति को उन्होंने अक्यूज बोला था, उन्होंने बोला था कि इसने चेन चुराई है। ठीक है, तो अब यार अगर हमें शांति को फेयर ट्रायल दे रहा है, बट जो जज है वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है शांति को जेल में रखो, हम विदाउट शांति वी विल हैव आवर सेशंस, हम अपने सेशंस कर लेंगे, बट शांति को बुलाने की जरूरत नहीं है। सो डू यू थिंक ये फेयर ट्रायल है? कमेंट करके बताओ। एक बार मैं आपके लिए फिर रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। शांति को हमने जेल में रखा और उसको बिना बुलाए हमने सेशंस रख लिए कि हम तुम्हारे लिए डिसाइड कर लेंगे, वी विल डिसाइड फॉर यू, जज बोलता है। डू यू थिंक दैट वुड बी फेयर? जस्ट टेल मी a yes or no in the comment section. Thank you very much for watching this series, and if you liked it, please like, share it, and then subscribe. Thank you very much.